Yes, hello, good morning everyone. So I'm really sorry for the delay. Actually, it's raining outside and I was stuck in the rain. So anyways, let's start the session. बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे questions करने हैं कुछ नए चीजों को पढ़ना है तो ready, steady, go. Yes, every day holds the possibility of a miracle. यानी कि रोज कुछ नया हो सकता है जैसे generally आजकल बात कर रहे हैं किसी भी students से तो कह रहे हैं कि मैम एक जुलाई से पढ़ना शुरू करेंगे क्या होगा ऐसा एक जुलाई को जो तीस जून को नहीं हो सकता तो अगर आपको पढ़ना है अगर आपने कुछ नया सोचा हुआ है कि ठीक है अभी तक मेरा जो भी था परफॉर्मेंस कोई बात नहीं अभी तक खराब चल रहा था किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप सी ए पी एफ सी डी एस या फिर अग्निवीर किसी भी एग्जाम की तैयारी डी ट्रिपल एस बी तो अब हो रहा है हो चुका है एक्चुअली आज लास्ट डे कल ही लास्ट डे था ट्वेंटी नाइन सिविल का उसके बाद आपका और एग्जाम्स हैं डी है ए है बहुत सारे ए हैं जेई हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज से शुरू करें एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाएं स्टडी प्लान का मतलब क्या होता है कि जैसे एकदम इम्पॉसिबल मत करना जैसे मान कर लो हिस्ट्री है ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री एंशंट हिस्ट्री में में डिवाइड कर दिया आप लोगों ने अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है मान लीजिए वो पढ़ना है उसको डिवाइड कीजिए तो इसको डिवाइड कीजिएगा कहा सत्रह से या सोलह सो से लेकर सोलह सो से लेकर सत्रह यानी कि ब्रिटिश कंपनी बनना ईस्ट इंडिया कंपनी बनना और औरंगजेब की मृत्यु 1707 से लेके कहा तक 1857 एक डिवीजन 1857 से लेके कहा तक आपका कांग्रेस बनने तक 1885 1885 से 1905 1905 से लेकर बंगाल विभाजन से लेकर आपको करना है कहाँ 1919 गांधी जी का आना उन्नीस से लेकर 1947 इतना डिवाइड कर लिए अब आप कीजिए कि इसको हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे इसको दो दिन में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट कैसे करना है इसमें भी दिक्कत है एक बार आप खुद से रीड कीजिए फिर हमारे क्लासेस हैं आप उसको देख सकते हैं ठीक है ठीके. तो आपका क्या होगा कि जो आपने रीड किया है और कुछ चीजें नहीं समझ में आई है वो समझ में आ जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के थ्रू उसको प्रैक्टिस करना है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्वेश्चन तैयार करना है तो ऐसे एक टॉपिक रेडी होता है <clears throat> हाँ तुम एक बार में ही कर लोगे तो बहुत अच्छा चले बहुत बढ़िया और आप जानते हैं कि अगर आपको जैसे हमने बोला कि आप हमारी क्लासेस देख लीजिए वहां से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो वो क्लासेस का मंथ एंड सिलेक्शन उत्सव चल रहा है कुछ बैचेस हैं हमारे पास जैसे हर एग्जाम के जिसके भी आप तैयारी कर रहे हो लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि सीट्स ऑलरेडी फुल है कुछ सीट्स बाकी हैं आपके लिए तो अब Y332, अगनी अगनी वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज करके वाई अग्निवीर अग्नि ए आई डी टी प्लस बी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप एफ कैट सी डी एस तो आप वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज करके डबल वैलिडिटी ऑफर ले सकते हैं ये आज लास्ट है क्योंकि मंथ एंड है आज महीने का आखिरी तारीख है इसीलिए दिस इज द ऑफर ये बैचेस आपको दिख सकते हैं हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अग्निवीर की बैचेस आज से शुरू है सो so, आज से आपको रीजनिंग साइंस मैथ्स इंग्लिश जीके करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट आज से एकदम जैसे पेड बैचेस में पढ़ाते हैं हम लोग बिल्कुल बैठ के आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा सो दीज आर द बैचेज वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं अब थोड़ा सा बीस क्वेश्चन है फटाफट आंसर दे दीजिएगा ठीक है टाइम वेस्ट नहीं जो हम लोग पढ़े हैं अभी दो दिन में यानी कि मंडे और ट्यूजडे uh, कल क्लास नहीं हो सके आई रियली सॉरी तो आज वाले आंसर आप देना शुरू कर दीजिए आज थर्सडे है ना यस ओके स्पीड टेस्ट नेट में हमारा रैंक uh, है 115. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग वुमेन में कुश्ती में किसने अभी अभी मेडल जीता है या किसने जीत लिया है पूरा कुश्ती तो ये भारत है ठीक किर्गिस्तान में यह हुआ है मैच इसको ध्यान रखेंगे अब आपको बताना है कि दमित्रे मुरातोव जो कि रशिया के हैं और इन्होंने अपने नोबेल प्राइज का पूरा पैसा बच्चों के लिए दे दिया यूक्रेन के बच्चों के लिए दे दिया ठीक है अगला क्वेश्चन है वाणिज्य भवन वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स तो इस भवन को किसने इनोग्रेट किया है मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल नोमैड वीजा यानी कि खाना बदोश लोग जो होते हैं घुमंतु जिनको कहते हैं उनके लिए वीजा है कौन कर रहा है तो ये इंडोनेशिया कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये सब रिविजन है ठीक है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं मंडे ट्यूजडे को जो भी पढ़े उसका डिविजन है और मंथ एंड है तो छह महीने का करंट अफेयर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने किस डिजीज को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोला है ये मंकी पॉक्स को किया है ठीक है पहला भारत का नेपाल भारत से लेकर नेपाल तक गौरव ट्रेन चला है गौरव ट्रेन एक प्राइवेट ट्रेन है और ये रामायण सर्किट के थ्रू चला है यानी कि जो भी इसमें बैठेंगे टूरिस्ट वो रामायण में हुए हुए मतलब जो भी अयोध्या है और सारे स्थलों का दर्शन कर लेंगे तो ये जनकपुर धाम नेपाल तक चलेगा न्यू दिल्ली से शुरू हुआ है ये ट्रेन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकिंग स्टोव जिसका नाम है सूर्य नूतन तो सूर्य नूतन में क्या है एक स्टोव जैसा ये कुकिंग घर में रखा जा सकता है ये द्वारा बनाया गया है ओके okay. पीयूष गोयल जी जो कि आम फेस्टिवल मना रहे हैं यहां पे चौतीस वेराइटी आम के जो कि बंगाल बिहार झारखंड यूपी जैसे रीजन से गए हैं ये कहां पे मनाया जा रहा है बेल्जियम में मनाया जा रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एनआई एफ पी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी तो आपका पैसा का योजना होता है ना जनता का पैसा है तो उसके लिए योजना कौन बना रहा है वो बनाने के लिए चेयरमैन बनी है आर कविता राव ओके okay. अब विटी विटीलॉजी विटी लीगो डे विटी लीगो डे एक बीमारी है तो ठीक है विटी लीगो स्किन डिसऑर्डर है पच्चीस जून को होता है फिर इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन सी फेरर्स के लिए ये भी आपका 25 जून है थोड़ा आप लोगों को डेट नहीं याद रहता है इसलिए इसको जल्दी करें सबसे बड़ा देख नहीं सकते है। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख सकते हैं ये खोजा गया है कहां पे? फ्रेंच, फ्रांस में, फ्रांस में इसको खोजा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसएमई देखिए एमएसएमई क्या होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ये छोटे छोटे ऐसे लघु उद्योग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं चीज़ों को बनाते हैं और सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट भी करते हैं तो एम में सबसे पहला अवार्ड जो सबसे फर्स्ट नंबर पे अवार्ड है ये ओडिशा फर्स्ट आ गया है फर्स्ट प्राइज मिला है इसको एमएसएमई में एन के डायरेक्टर जनरल कौन है सब पढ़ाया हुआ है मंडे को ठीक है मंडे का ये क्वेश्चन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर कौन है डायरेक्टर जनरल कौन है बिल्कुल तो दिनकर गुप्ता और बाकी आपको नए सारे भर्ती पता है आज हम आपको बता देंगे एनआईए के रॉ के सब आपको पता होना चाहिए ठीक है टिकटॉक में सबसे ज्यादा किसको फॉलो किया जाता है तो ये कैबी लेन को फॉलो किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर और हाइड्रो पावर वाला एयरपोर्ट बन गया है तो ये एयरपोर्ट है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और ज्योति गामा फेस्टिवल ये न्यूज में भी बड़ा रहा तो जी किशन रेड्डी जी ने इनोग्रेट किया ज्योति गामा फेस्टिवल ये कहां पे इनोग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बैंक 250 मिलियन ठीक है तो ये किस स्टेट का है ये स्टेट गुजरात है जिसको पढ़ने लिखने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इतना लोन दिया है और एग्जिम कस्टमर तो एग्जिम एस है तो ये आपका साउथ इंडिया बैंक है ठीक है तो जो पुराने 20 क्वेश्चंस थे हमने रिवाइज कर लिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन लोग तीन लोगों का फोटो जिसमें से शायद आप दीपिका पादुकोण के फादर प्रकाश पादुकोण को पहचानते होंगे बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर हैं ठीक है ठीके? ध्यान से सुनिएगा अभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला न्यूज़ ये है कि एस एम कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है ठीक है तो ये कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट का है तो वो बेंगलुरु में है चीफ मिनिस्टर जो कि के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस अवार्ड को देंगे इन तीनों को राइट right? क्लियर है तो सीएम कृष्णन जो है वो इन्फोसिस के फाउंडर है और आईटी इंडस्ट्री वेटरन है एन आर नारायण मूर्ति और बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रकाश पादुकोण ठीक है सॉरी तो इन्फोसिस के फाउंडर आप जानते हैं नारायण मूर्ति हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है एस एम कृष्णन ठीक है एस एम कृष्णन चीफ मिनिस्टर नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर और प्रकाश पादुकोण जो है ये क्या है बैडमिंटन प्लेयर है ठीक है नेक्स्ट आई आर एस ऑफिसर यानि कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर नितिन गुप्ता जी बन गए हैं सी बी डी सी बी डी टी के चेयरमैन दो तरह का टैक्स होता है ठीक है एक होता है डायरेक्ट टैक्स एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स का जो पूरा कमिटी है यानी कि डायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है उसके चेयरमैन बन गए हैं नितिन गुप्ता ये रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है विजय अमृत राज विजय अमृत राज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है आई यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के तरफ से तो यह है विजय अमृतराज जो कि बहुत बड़े लॉन टेनिस प्लेयर रह चुके हैं और इनको ये अवॉर्ड मिला है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक है बेलारूस के साथ बेलारूस का एक कंपनी है फॉर सप्लाई ऑफ एयरबॉन्ड डिफेंस सूट तो एयरबॉन्ड डिफेंस सूट बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिफेंस इनिशिएटिव लेकर बेलारूस के साथ तो डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड और ये ये क्या बनाएंगे ये बनाएंगे डिफेंस सूट फॉर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स तो हेलीकॉप्टर पे जो लोग बैठते हैं जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान होते हैं उनके लिए ये सूट बनाया जाएगा जो वो पहनेंगे ओके okay. नेक्स्ट, ओके okay. तो चार दिन का अंबुबाची मेला लग रहा है कमाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में है ये अंबुबाची मेला याद रखेगा अंबुबाची मेला कमाख्या टेम्पल गुवाहाटी बहुत फेमस है बहुत लोग जाते हैं यहां पे हां असम में है वो ठीक है नेक्स्ट बिल्कुल इंडिया का कैप्टन हुआ करते थे टाटा पावर ने कमीशन किया है भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तो ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये तैरता रहेगा ठीक है फ्लोट कर रहा है और इसमें जो भी सूरज की एनर्जी आएगी उसको ये कंज्यूम कर लेगा और उससे सोलर पावर बनाए मतलब सोलर एनर्जी बनेगा आरबीआई का न्यूज क्या है कि अवार्ड प्रोग्राम फॉर हिंदी लैंग्वेज ऑथर ऑफ बुक रिजल्ट 2022-2021 तो आरबीआई ने अभी क्या अनाउंस किया है ये डिसीजन लिए हैं कि ये रिवॉर्ड करेंगे प्रोफेसर रेनू जात्रा को जो कि क्या है फॉर्मर डीन है मोहन लाल सुखादिया यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान में ठीक है और डॉक्टर सागर सनवार को जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ये भी आपका राजस्थान में तो इनको ये प्राइज मिलेगा ठीक है हिंदी ऑथर है ये एस और आर ने क्या किया है कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है एस बी आई स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी तो सब्सिडरी का क्या मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई चीज आप खरीद रहे हैं जो कि सौ रुपए का है लेकिन सरकार ने आपको बीस रुपए दे दिया है एस सब्सिडी तो आपको क्या मिलेगा सिर्फ वो चीज अस्सी रुपए में मिलेगा जैसे आपको एलपीजी में सब्सिडी मिलता है तो ये एसबीआई द्वारा जो ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडी है इसको आरबीआई ने अभी मंजूरी दे दी है ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आरबीआई का एक और न्यूज है जो कि उतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मुफीन फाइनेंस को मिल गया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस ये आरबीआई का कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसका हेडलाइन बस देख लीजिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इंडिया डेब डिसीजन फॉर्म आई तो ये अश, अविनाश कुलकर्णी जी ने अभी अभी ये क्या बन गए हैं ये बन गए हैं इंडिया रिसर्जेंस असिस्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म के चीफ बस इतना याद रखिएगा। असेट रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज गिरवी रखी हुई है और आपने लोन ले लिया हुआ है तो जो चीज आपकी गिरवी है जिसपे आपने लोन लिया है अगर आप लोन का पैसा सही टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो उस चीज को बेचकर उस रकम की पूर्ति की जाएगी अब इसके चीफ बन गए हैं अश्विन कुलकर्णी जी ठीक है इन स्पेस इन स्पेस ऑथराइज इंडिया फर्स्ट सेटअप ऑफ स्पेस स्टार्टअप टू लॉन्च पेलोड तो यानी हम अपने देश में इन स्पेस को बना चुके हैं जो कि है इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यहां पे जो भी स्टार्टअप है या जो भी इनोवेशन है जो हमारा प्राइवेट फॉर्म है स्पेस के सेक्टर में उसको फेलिसिटेट किया जाएगा उसको इनकरेज किया जाएगा ओके नेक्स्ट लार्जेस्ट बैक्टीरिया ये तो आप जान ही गए हैं तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड फिर से ये डिस्कवर हुआ है जो कि कैरेबियन मैनग्रोव के स्वैम्पी एरिया में हुआ है हमारे देश में स्वैम्पी और मार्शी एरिया कौन सा है सुंदर बन का एरिया है ठीक है चले तो ये कैरेबियन uh, मैनग्रोव में इसको फिर से खोजा गया है नेक्स्ट टोगो एंड गेबोन कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर टोगो एंड गेबोन कंट्री है कॉमनवेल्थ यानी कि वो सारे देश जिस पे ब्रिटेन ने कभी शासन किया है तो उसका एक एसोसिएशन है जिसमें भारत है, एक उसका पार्ट है इसमें 56 कंट्री हैं और अब मतलब टोगो और गेबोन होने के बाद अब इसमें 56 कंट्रीज हो गए ओके। okay. नवीन ढिल्लन को मिल गया है गोल्ड मेडल डिस्कस थ्रो जो ये रही थी आपको दिख रहा होगा है ना तो ये डिस्कस थ्रो में इनको गोल्ड मेडल मिल गया है कहां पे? कोसानोव मेमोरियल 2022, यानी ये अल्माटी कजाकिस्तान में डिस्कस थ्रो में इनको गोल्ड मेडल मिला है ठीक नेक्स्ट IWF एफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने अभी किसको अपना प्रेसिडेंट बनाया है मोहम्मद जालोद को प्रेसिडेंट बनाया है मोहम्मद जालोद बन गए हैं प्रेसिडेंट ठीक है और ये अल्बेनिया के हैं कहाँ के हैं अल्बेनिया के हैं ये प्रेसिडेंट जो बने हैं ठीक है ठीके? वेट लिफ्टिंग यानी कि भारतोलन जिसमें भारत भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है भारतोलन खुशी पटेल ये है यूनाइटेड किंगडम की और ये बन गई है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड दो ठीक है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल तो अब यही जाएंगी भारत की तरफ से ओके okay. धनलक्ष्मी बन गई है थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वूमेन इन 200 मीटर तो ए स्प्रिंटर जिनका नाम है धनलक्ष्मी ये पर्सनल बेस्ट टाइम इनको मिला जो कि 200 में 200 मीटर्स इन्होंने ये जो कोसानोव हो रहा है जिसमें अभी अभी हमने देखा है कि डिस्कस थ्रो ने भारत भारत ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है तो इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये थर्स थर्ड फास्टेस्ट इंडियन बन गई है किसके बाद तो सरस्वती साहा सबसे फास्टेस्ट हैं और हीमा दास सेकेंड में है यानी कि 200 मीटर रेस में बाईस दशमलव सरस्वती ने इसको कंप्लीट किया है साहा ने और हीमा दास जिनको हम लोग देहांग एक्सप्रेस भी कहते हैं 22.88 सेकंड सेकेंड में कंप्लीट किया है अब तेईस ता, पॉइंट सेकेंड में इसको कंप्लीट करने आ, करने वाला नया रिकॉर्ड बन गया है धनलक्ष्मी का ठीक है सॉरी रला गेंट so, ने अभी अभी एम ईडी पी ठीक है तो यह एक मेडिकल इंश्योरेंस को लॉन्च किया गया है सरकार बस इतना, ध्यान रखेगा इस नाम का, इतना क्या है नहीं पूछेगा ओके सो लेट स्टार्ट द न्यू न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन पासपोर्ट सेवा दिवस ये हर साल किस दिन मनाया जाता है पासपोर्ट सेवा दिवस ओके okay. तो 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है 1967 में एक्ट आया है पासपोर्ट सेवा दिवस का ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति तो कूटनीति के जनक भारत में कौन है चाणक्य है अगर कोई भी वुमेन को दूसरे देश में भेजा जा रहा है ताकि वो डिप्लोमेसी सीख सके तो उसके लिए भी एक दिवस है ठीक है एम्बेसडर्स होते हैं ना इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं या हमारे देश में सुषमा स्वराज फॉरेन मंत्री रही हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी थी फॉरेन मिनिस्टर तो ये डिप्लोमेसी डे 24 जून को मनाया जाता है ओके वर्ल्ड ड्रग डे ये मनाया जाता है 26 जून को इस बार का थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड एंड ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिसके विक्टिम ऑफ टॉर्चर ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग विक्टिम ऑफ टॉर्चर 26 जून को मनाया जाता है एमएसएमई डे भी आपका ये आपका होता है सत्ताईस जून को बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड इस बार का थीम है हो गया बहुत सारा अब आप बताएंगे कि भारत को फुटबॉल टीम भारत की जो फुटबॉल टीम है उसकी फीफा में रैंकिंग कितनी है इसको भी पढ़ चुके हैं भारत की फुटबॉल टीम में फीफा की रैंकिंग कितनी है भारत की फुटबॉल टीम की ये है एक ओके okay. अब आप उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि लिवेबल सिटी जिसमें आप रहना चाहते हैं या जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रहना चाहते हैं तो नंबर वन रैंक पे कौन सा है कौन से सिटी को लिवेबल सिटी माना गया है तो ये लिवेबल सिटी सबसे फर्स्ट है वियना वियना का मतलब वियना द फर्स्ट स्पॉट इसको मिला है ये है आपका सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी ओके स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 किस कंट्री को सबसे स्ट्रांगेस्ट किस सिटी को सबसे स्ट्रांगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड मिला है इस सिटी में जो स्टार्टअप है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जी कौन सा हो सकता है भारत में तो भारत में बेंगलुरु है बेंगलुरु वर्ल्ड में एट्थ पोजिशन पे है और भारत में फर्स्ट पोजीशन पे है भारत में सेकंड पोजीशन पे न्यू दिल्ली है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्टार्टअप हैं, ओके स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया विल जी ट्वेंटी दो तो 2023 में जी ट्वेंटी की समिट होने वाली है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये भारत में होने वाली है क्या आप बता सकते हैं कि ये किस शहर में होने वाली है तो ये होने वाली है आपके जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में 2023 की जी ट्वेंटी सबमिट होने वाली है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसके पहले आप देख लीजिए कि 2023 के बाद कैसे शुरू हुआ ये जी ट्वेंटी कब बना तो जी सेवन देशों ने कुछ इमर्जिंग जैसे जी सेवन क्या है डेवलप्ड है उसमें रशिया जोड़ दीजिएगा तो वो जी एट हो जाएगा तो इन लोगों ने कहा कि जो अभी नए इकोनॉमीज हैं जो अच्छा कर रहे हैं जो डेवलपिंग है उनको जी ट्वेंटी के ग्रुप में डाला जाए और उस समय इसको बनाया गया तो जो अपकमिंग जी ट्वेंटी मीटिंग है ये होने वाली है दो हजार दो हजार बाईस इस साल इंडोनेशिया अगले साल ये होने वाली है इंडिया में फिर ब्राजील और फिर साउथ अफ्रीका राइट चेयरमैन है जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के हैं और फिर हमारे देश में हमारे चेयरमैन बन जाएंगे नीति आयोग के नए सीईओ जो हैं उनका नाम क्या है ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी सुमन बेड़ी यहाँ पे वाइस चेयरमैन है सीईओ पूछा जा रहा है आपसे जो कि अभी तक अमिताभ कांत थे। जी का मतलब होता है ग्रुप ग्रुप ऑफ सेवन ग्रुप ऑफ ट्वेंटी हाँ तो परमेश्वर अय्यर इस बार बन गए हैं सीईओ नीति आयोग के दो साल के लिए रहेंगे ये अगला क्वेश्चन है कि एमडी और एमडी और चेयरमैन ऑफ ऑफ नेशनल नाश, स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड एन एस आई सी के एमडी और चेयरमैन कौन बन गए हैं ठीक है तो इनका नाम क्या है पी उदय कुमार एमडी और चेयरमैन बन गए हैं ये डायरेक्टर जनरल आईबी के आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल इनका नाम क्या है इनका नाम है तपन कुमार डेका ठीक है ये आईबी के अब इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गए हैं और रॉ के तीन आप लोगों को बता दिया गया है एन आई ए जिसमें दिनकर गुप्ता है आईबी तपन कुमार देका रॉ समंत कुमार गोयल राइट right? तो तीनों को आप याद समंत कुमार गोयल नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट क्योंकि नए प्रेसिडेंट चुनाए नहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इनका नाम क्या है तो इनका नाम है अभी नरेंद्र बत्रा जी को हटा दिया गया है तो उतने देर के लिए अनिल खन्ना जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है ओलंपिक एसोसिएशन का परवेशोत्तम यानी ये स्टेट चाहता है कि इनके देश इनके जो स्टेट में जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शाला यानी कि पाठशाला में वो एंटर करे तो सेवेंटींथ शाला प्रवेशोत्तम ये मनाया जा रहा है और यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिखाया गया था जिसमें यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने बच्चों को टॉफी देकर ऐसे बोल रहे हैं कि आइए स्कूल में पढ़िए नहीं गुजरात है भूपेंद्र पटेल जी का फोटो आपको दिखाया गया था मेनली ये चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में ज्यादा से बच, ज्यादा बच्चे इनरोल हो जाए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर्म एडवाइजर पैनल तो एडवाइजरी पैनल के लिए एडमिनिस्ट्र कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर्मड एडवाइजर पैनल इसके लिए किसको कौन इसको चेयर कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर न्यूज में था तो आईव टोल्ड यू ये है रंजीत बजाज जी विच बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट इको तो कैंपस पावर ताकि बच्चे आराम से अगर उनको कोई भी लोन चाहिए होगा तो तुरंत उनको लोन मिले और अगर वो हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये बैंक कौन सा है ये बैंक है आपका आईसीआईसीआई बैंक जिसने कैंपस पावर को लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट वर्थ वन थाउजेंड करोड़ तो हिली एरिया में आराम से कृषि करने में कोई प्रॉब्लम ना हो फार्मिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हजार करोड़ रुपए का लोन किस स्टेट को दिया गया है यह स्टेट है आपका उत्तराखंड उत्तराखंड को यह लोन दिया गया है कौन से स्टेट ने अभी अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को यहां पर ऑनर किया है कि ये यूएन यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है इसको ये पढ़ चुके हम लोग ठीक है हाँ मो बस ओडिशा पढ़ चुके हम लोग इसका फोटो भी देखें राइट ओके नेक्स्ट टेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताइए टेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किस चीज से डील करता है साथ ही साथ आपको बाकी के दस बाकी टोटल जो बारह शेड्यूल्स हैं वो पता होने चाहिए तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है अब ये क्यों आपको बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में फिर पॉलिटिकल संकट आ चुका है एक बात ध्यान रखिएगा देखें पहले आपके संविधान में आठ शेड्यूल थे शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची ठीक है आठ शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स थे बाद में धीरे धीरे करके चीजों को जोड़ा गया है तो आज आपके संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, ओके तो जो शेड्यूल्स जिसको जोड़ा गया है उसको आप याद रखिए नौवा जो है उसका नाम है जुडिशियल रिव्यू यानी अगर ऑलरेडी किसी कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है या कोई जजमेंट दिया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है दसवा जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है दल बदल कानून मान लीजिए कि आपने किसी को चुना जो कि किसी किसी पर्टिकुलर पार्टी का था मान लीजिए बीजेपी का था वो इसीलिए आपने उसको वोट दे दिया ठीक है अब वो क्या किया व्यक्ति उसको कांग्रेस ने बीस लाख रुपए दिए तो वो सोचा कि चलो अच्छी बात है कांग्रेस में चलते हैं तो वो कांग्रेस में चला गया धोखा हुआ किसके साथ डिफेक्शन हुआ आपके साथ क्योंकि आपने उसको किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए उसके आइडियोलॉजी को सोचकर वोट दिया अब उसने लास्ट मोमेंट पे अपना क्या किया है चेंज कर लिया है पार्टी तो दल बदल यानी कि बार बार एमपी बनने के बाद या एमएलए बनने के बाद चुनाने के बाद कानून मतलब ये जो आप बदल देते हैं पार्टी बदल देते हैं तो वो उसको रोकने के लिए इस लॉ को लाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ को जिसके तहत कहा गया है कि तभी जब पार्टी का टू थर्ड हिस्सा किसी दूसरे पार्टी में मिल जाएगा तो उसको मर्जर मानेंगे टू थर्ड यानी कि मान लीजिए कि अगर नब्बे लोग हैं तो नब्बे में से टू थर्ड कैसे हो जाएगा साठ हो जाएंगे ठीक है हाँ तो ये सिक्सटी हो जाएगा सिक्सटी लोग नब्बे में से साठ लोग जाकर दूसरे पार्टी में मिल जाते हैं तब वो दल बदल कानून नहीं है यानी कि वो जो साठ लोग जो एम हैं वो जाकर या एम हैं वो जाकर दूसरे पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो वो दल बदल कानून नहीं बाकी ग्यारहवें में है आपका पंचायत जो आपको पता होना चाहिए 11 शेड्यूल में और अगर आप आर्टिकल जानना चाहते हैं तो 243 फिर 243 ए से लेकर ओ तक ये आर्टिकल्स हैं आपके पंचायत के ओके और ट्वेल्थ जो है वो है यही म्यूनिसपैलिटी ठीक है तो म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकल अर्बन लोकल बॉडीज जिसको आप बोलते हैं अर्बन शहरी लोकल बॉडीज जो भी आपके लिए नगर निगम वगैरह काम करता है वो ट्वेल्थ शेड्यूल में बाकी वन से लेकर एट आपको पता होना चाहिए याद कर लीजिएगा बाकी हम लोग जब जीके का क्लास लेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे ओके okay, गाइज तो इसीलिए आपसे पूछा गया है क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप सुन रहे होंगे कि शिंदे अलग हो गए हैं और उद्धव ठाकरे अलग हो गए हैं तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट अभी अभी बाजरा पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है क्या बता सकते हैं ये कहा हुआ है अच्छा हां बिल्कुल आएगा तो ये मिलिट बाजरा पे कॉन्फ्रेंस ये हुआ है आपका कहां पे तो ये बाजरा पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ है बिल्कुल सही बात है तो ये ये मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस था तो ये दिल्ली में किया गया है न्यू दिल्ली ठीक है और द इस बार का थीम याद रखेंगे द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया यानी भविष्य में हम लोग इसी को खाने वाले हैं निर्यात निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना तो निर्यात को किसने लॉन्च किया होगा जो कॉमर्स मंत्री है वही लॉन्च किए होंगे लेकिन नहीं मोदी जी लॉन्च किए हैं निर्यात पोर्टल को मोदी जी लॉन्च किए वाणिज्य भवन को भी मोदी जी ही लॉन्च किए ओके okay, अब कुछ न्यूज देख लीजिए आप लोग फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस टू हिट स्टैंड नेक्स्ट मंथ तो ये बायोग्राफी आने वाला है जो कि पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया ने इसको पब्लिश किया है ठीक है ये लिखा गया है किसके द्वारा राहुल रमा गुंदन द्वारा लिखा गया है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस वैसे कल के द हिंदू एडिटोरियल में जैसे आप लोग में से बहुत लोग हिंदू पढ़ते हैं जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ भी सकते हैं तो 29 जून यानी कि हमारे जो स्टैटिशियन है भारत के सबसे महान स्टैटिशियन पीसी महलनोबिस जिनके तहत जिनके ही आइडियाज पे सेकेंड फाइव ईयर प्लान भी बना जवाहरलाल नेहरू जी के समय तो उस उनके बारे में काफी अच्छा आर्टिकल है लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको जानना है उनका और अविंद्र नाथ टेगोर का रिलेशन तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं बाकी अगर आप पढ़ लें एक बार पीसी मेहलोविस के बारे में तो अच्छी बात है कल ट्वेंटी नाइन जून को उनका बर्थ एनिवर्सरी था पचास साल हो गया उनके मृत्यु को फादर ऑफ इंडियन पी एस यू डॉक्टर वी कृष्णा मूर्ति जी का निधन हो गया है PSU का मतलब होता है पब्लिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिसमें आपका सेल आ गया भेल आ गया फिर मतलब वही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल या फिर मारुति उद्योग तो ये इस तरह के जो सरकारी कंपनी होते हैं इसको बनाया ही इसलिए गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एम्प्लॉय हो सके और एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके भारत में यानी कि सरकारी नौकरी के तर्ज पे पीएसयूज को बनाया गया अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है क्योंकि सरकार बहुत सारी पीएसयूज को बेच रही है तो आपको पता होना चाहिए कि उनके जो फादर जिसको कहते हैं वो हैं डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, ओके इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक का क्या मतलब होता है ट्रॉपिक का मतलब होता है कि जैसे ये आपका अर्थ ये आपका इक्वेटर तो इक्वेटर से ऊपर साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर से नीचे सारे तेईस डिग्री साउथ साउथ क्यों लिखे हैं क्योंकि नीचे है तो ये आपका कैपड़ी तो ये दो ट्रॉपिक्स हैं आपके देश मतलब दुनिया में वर्ल्ड में और इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अर्थ का जो डायरेक्ट हीट होता है या डायरेक्ट रेज होता है वो हमेशा यही दो के बीच में होता है इसके ऊपर भी नहीं जाएगा इसके नीचे भी नहीं जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाएगा इन डायरेक्ट स्लैंडिंग रेस जाएगा यानी कि ऐसे टेढ़ा होकर जाएगा लेकिन डायरेक्ट रेस जो होता है सन का वो कभी भी ट्रॉपिक के ऊपर और नीचे नहीं जाएगा तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी इसी दो ट्रॉपिक्स के बीच में मिलता है ओके okay. तो अब इसके लिए भी एक दिवस है और ये दिवस कब है तो ये आपका मनाया जा रहा है 29 जून को ओके okay. तो ये यूनिकनेस और एक्स्ट्रा यानी कि पेड़ पौधे जानवर ज्यादा होंगे अब ये इंग्लैंड के हैं ठीक है तो योन मार्गोन जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इन्होंने इस बार वर्ल्ड कप इन्हीं के पास है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है लीव्स इंटरने इंटरनेशनल क्रिकेट पैंतीस साल के हैं और इंग्लैंड में फर्स्ट एवर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री पहला मिला था इनको तो अब इन्होंने सन्यास ले लिया है ओब्वियसली सबसे बड़ा चीज इन्होंने कर लिया अपने जीवन में अब ये ब्रिक्स है ब्रिक्स में आप देख सकते हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका तो ब्रिक्स यानी कि अब देखिए नया न्यूज क्या है कि ईरान अर्जेंटीना अप्लाइज टू ज्वाइन चाइना एंड रशिया इन ब्रिक्स क्लब तो कौन अभी अप्लाई किया है यह है ईरान और अर्जेंटीना ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को भी ब्रिक्स में जोड़ लो तो ओलंपियन चैंपियन सिडनी मैक लॉन्गलिन ब्रेक्स ओन फोर हंड्रेड हर्डल वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इन्होंने अपना खुद का एक रिकॉर्ड बनाया था और अब इन्होंने वही ब्रेक कर लिया है तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि सिडनी िन ठीक है लाफी हैं ना उसको लाफ मैक लाफलिन मैक लाफलिन जो है वो क्या करती है 400 मीटर हडल्स को दौड़ती है ठीक है इसको आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट ये ड्रोन दिख रहा है आपको ड्रोन पे है कि ग्लोबल एयर अवार्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन को मिल गया है विंस बाय आईजी ड्रोन तो सबसे अच्छा ड्रोन बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसको मिला है ये दिल्ली का एक ड्रोन कंपनी है जिसका नाम है आईजी ड्रोन्स तो इसको मिल गया है ये अवार्ड ओके okay, नेक्स्ट तेलंगाना गवर्नमेंट ने टी हब फैसिलिटी खोला है टी हब फैसिलिटी यानी कि यहाँ पे जो टाटा सन्स है टाटा सन्स ऑन द न्यू टी हब फैसिलिटी इन हैदराबाद अभी ये क्या है तो ये है इंडियन इकोसिस्टम के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक टी हब हाँ फैसिलिटी खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना में यह एक लिरिसिस्ट है यानी कि गाना लिखते हैं संगीत लिखते हैं और इनका नाम है चोला, चोवालोर कृष्णा कुट्टी तो कृष्णा कुट्टी जी का निधन हो गया है 86 साल में जीएसटी की मीटिंग हो रही है जीएसटी की मीटिंग मीटिंग में कहा गया है कि बहुत सारे रेट्स को हटाया जाएगा और इम्प्रूव uh, भी किया जाएगा ताकि कुछ एग्जेप मिल सके बेन सिल्वरमैन जो कि सीईओ हैं पिन पिंड टेरेस्ट के ये अब इन्होंने यहां से सीईओ पद से ये मतलब हट चुके हैं अब इनकी जगह नए सीईओ बनेंगे तो इनका नाम क्या है बेन सिल्वरमैन। ओके उतामा वन ट्रांसवेलियन ट्रॉफी ट्वेंटी फर्स्ट अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये न्यूज़ बस अभी आप हेडलाइंस नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे अट्ठाईस जून को मनाया जाता है नवीन पटनायक जी ने क्या कहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अभी एमएसएमई अवार्ड किसको मिला है ओडिशा को मिला है ठीक है तो नवीन पटनायक जी को मिला है भारत बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसके तहत हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेहतर बन रहा है एसी मनी एस मनी इसने लॉन्च किया अपना नया एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई जोमैटो ब्लिंकेट जोमैटो ने एक्वायर कर लिया है ब्लिंकेट का कुछ शेयर ठीक है तो ब्लिंकेट को पूरी तरह से ब्लिंकेट को एक्वायर कर लिया है किसने जोमैटो ने ये दो कंपनी है फूड वाली तो इसको अभी अभी एक्वायर कर लिया है पहले ब्लिंकेट को ग्रोफर्स कहते थे ठीक है हनी टेस्टिंग लैब यानी कि शहद को टेस्ट करने के लिए एक नया लैब खोला गया है कहां पे नागालैंड में अर्जुन मेघवाल प्रेजेंटेड विद द होली कपिल वस्तु रेलिकॉट ब्रॉट बैक फ्रॉम मंगोलिया तो मंगोलिया में हमारा वस्तु, कपिल कपिल वस्तु जिसका आप अभी अभी फोटो देखें तो इन्होंने वापस इसको ले आए हैं ये लोग बिजनेस टाइकून जी, मिस्त्री जी का निधन हो गया है जी सेवन की मीटिंग चल रही है और ये जर्मनी में चल रही है भारत से मोदी जी भी गए हैं यहां रिलायंस व्हाट इज द न्यूज मुकेश अंबानी ने अभी रिजाइन कर दिया है और न्यू जियो के चेयरमैन जो हैं, वो इनके बेटे आकाश अंबानी जो कि बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी ये बन गए हैं इसके चेयरमैन। एनिमल हजबेंड्री और डेयरी वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव बेंगलुरु में खोला गया है चले अब क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं थोड़े से तो इसको आप बनाइए पहले जीएसटी का मतलब होता है एंड सर्विस टैक्स ओके तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है आज का टाइम एक्चुअली आई एम हैविंग सो दिस मच टाइम तो लेट्स कंक्लूड इट इसको आप बनाइएगा बाकी हम लोग कल और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे आप आ सकते हैं गूगल में अगर आपको बैचेस में इनरोल होना है आज डबल वैलिडिटी ऑफर है तो आप उसका फायदा जरूर उठाइएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में आए हैं ऑल कोर्सेज में आए हैं ठीक है ऑल कोर्सेज में आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आप उस पर जा सकते हैं अग्निवीर जैसे ये इंडियन आर्मी के लिए क्योंकि अग्निवीर के बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं तो उनको बता दिया जाए कि ये व्यू ऑफर्स में जाके अगर आप कोड यूज करते हैं कौन सा वेरी गुड तो कोड अगर आप यूज करते हैं वाई तीन सौ बत्तीस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे जाके कोड आपको यूज करना है कौन सा वाई थ्री थ्री टू तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस तरह से अग्निवीर में इनरोल हो सकते हैं ठीक है सो थैंक यू फॉर द सेशन गाइज और ये बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ ग्यारह सौ रुपये में तो आज ही आप इनरोल हो जाइए क्योंकि बैचेज आज से शुरू हैं सो क्योंकि बैचेज आज से शुरू हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिए थैंक यू फॉर द सेशन और जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पेड बैच में ए और जेई के तो आप लोग अभी नौ बजे आ जाइए हिस्ट्री की क्लास चल रही है सिक्स क्लास है आज हिस्ट्री की सो जल्दी से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए थैंक यू